गुड इवनिंग गाइस ये वाला वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग था मैंने दस दिन पहले व्लॉग में मैंने कहा था कि आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली इंपोर्ट स्टफ फ्रॉम यूएस यूरोप ऑस्ट्रेलिया कहीं से भी आप वर्ल्ड भर से कहीं से आपको कुछ भी अगर सामान जी आप कैसे इंपोर्ट करोगे कैसे खुद ला सकते हो विदाउट इवन डिपेंडिंग ऑन एनी एजेंसी एनी वेबसाइट जो कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं आप खुद कैसे ले सकते हो वो मैं ये वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप को बता दूंगा एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ये वीडियो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वही एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव बीन यूजिंग सिंस ईर्यस फॉर माई पर्सनल इम्पोर्ट्स कमर्शियल इम्पोर्ट्स का मैं अलग यूज करता हूँ बट दिस इज वट आई बेसिकली यूज फॉर माई पर्सनल इम्पोर्ट्स मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अभी देखो अगर आपको कुछ भी चाहिए कोई भी वेबसाइट से कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट से अगर आप कुछ भी चीज ऑर्डर करने के लिए ट्राई करते हो वो बहुत सारे वेबसाइट्स के होते हैं वो इंडिया को शिप नहीं करते आपको जो चाहिए आपको नहीं मिल पाता है एंड उसके बाद इंटरनेट सब करने जाते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स है उसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सो so, अगर आपको कुछ एक मतलब चीपर वाला वे चाहिए ये वीडियो में आपको सोलूशन मिल जाएगा सो बेसिकली आफ्टर दिस वीडियो आपको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत है जरूर कि भाई साहब आप जब लॉट रहे हो इंडिया आ रहे हो मेरे लिए ये सामान ले नो मोर रिक्वेस्टिंग नो मोर इंसिस्टिंग एनी वन टू गेट स्टफ फॉर यू यू कैन गेट योर स्टफ योर सेल्फ विदाउट इवन डिपेंडिंग ऑन एनी वन एंड मेरे को अभी भी याद है टू थाउजेंड एट में जब काम करना शुरू किया बहुत सारा सामान चाहिए था मेरे को कुछ तो गैजेट हो गया कुछ कपड़ा हो गया वॉच हो गया जो कि इंडिया में मिलता ही नहीं था एंड या अगर भी मिलता था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता था बट मोस्ट ऑफ द गुड्स गुड्सर एक्चुअली नॉट अवेलेबल बहुत छोटे 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 गैजेट्स मेरे को अभी भी याद है माई वाइफ कैन एक्चुअली टेल यू मेरा हर मंथ कोई भी क्लाइंट का सामान आता था यूएस से यूरोप से उनको बोलता था भाई पेमेंट मत करो आप क्या करो मेरे लिए सामान ऑर्डर करके भेज दो इंडिया क्योंकि मेरे को इंडिया में मिलता नहीं तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता था भाई सामान लाने के लिए अमेजोन से ऑर्डर करो उनके घर भेजो वो फिर फेडेक्स या फिर को अपना कोई यूपीएस व्यूपीएस में डालेंगे वो मेरे के पास आएगा फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा बहुत लंबा प्रोसेस रहता था सो so बेसिकली मेरे को मालूम है ऐसा वाला जो दौर से काफ़ी लोग मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव है थ्रू दिस फेज जबकि उनको कुछ एक सामान चाहिए बट वो या तो इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है अगर भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त रिलेटिव्स हो गए फ्रेंड्स हो गए उनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा बाहर से बट उनको मतलब वो मिलता नहीं होगा इंडिया में एंड मिलता नहीं है मतलब इम्पोर्ट करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ़ दोज पीपल एक्चुअली डोंट गेट इन द इम्पोर्ट वाला प्रोसेस क्योंकि इम्पोर्ट वाला प्रोसेस जो वो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बट ये वाला सर्विस जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें इसको आप यूज़ करोगे तो आप ये कॉम्प्लेक्स तो निकल सकेंगे क्योंकि वो कंपनी आपका एंट्रो एंड सर्विस वो देख लेगी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं आपको एक बिजनेस आइडिया भी दे सकता हूँ फ्री में बिजनेस आइडिया दे सकता हूँ आपके रिलेटिव दोस्त ऑफिस कोई भी कोई भी अगर किसी को कुछ भी सामान चाहिए आप उसके लिए खुद ये वाला सर्विस यूज़ करके सामान को ले सकते हो ला सकते हो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो छोटा वाला एग्जाम्पल देता हूँ पकड़ लो किसको एक छोटा वाला या फिर कोई गिटार चाहिए ठीक है वो गिटार इंडिया में मिलते नहीं ऐसे बहुत सारे गिटार हो गए इलेक्ट्रिक गिटार जो कि इंडिया में मिलता नहीं है अभी किसी को अगर कोई एक ऐसा वाला गिटार चाहिए जो कि इंडिया में मिलता नहीं तो आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को तो खाली आइटम बता दे मैं तेरे लिए सामान लेके आ जाएगा उससे पास आपको पैसा लेना आप क्या करोगे ये सामान लोगे आप खुद अपने नाम से इम्पोर्ट करोगे ये वाला सर्विस को यूज़ करे जो मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा पूरे डिटेल्स में ले पकड़ लो गीटर को आपने लाया एक लाख रुपए में आपके पास पहुंच गई टिकट लेता टाइम वेस्ट कर इतना खर्चा करने से बहुत अच्छा है कि वो आपसे आप सामा, वो सामान ले आपने कमीशन भी कमा ले सो वेरी इजी टू एक्चुअली डू बिजनेस विद दिस आइडिया एज वेल सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं इंपोर्ट का मस्त वाला बिजनेस आप बना सकते हो पर्सनली एज ए नहीं। किसी को कुछ भी सामान चाहिए आप उसके लिए अपने नाम से ऑर्डर करो इंपोर्ट करो उसको लेके दे दो कमीशन को रख लो वेरी सिंपल सो अभी ये जो सर्विस मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं का नाम है, Sip, इसको मैं यूज़ कर रहा आई थिंक फॉर लास्ट फाइव या सिक्स से मैं यूज करता हूं शॉपियनशिप इज बेसिकली फॉरवर्डिंग सर्विस बाय तो आप सबको मालूम होगा वेरी फेमस कंपनी इन इंडिया सो एरक्स का ही जो शॉपियनशिप है एरम एक्स का ही एक सर्विस है उनका फॉरवर्डिंग सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड उनका ऑफिस भी सारी जगह पे है एंड द प्रोसेस वेरी सिंपल आप फ्री में उनके वेबसाइट में साइन

दो स्मॉल स्टफ क्योंकि लोगों को छोटे 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 सामान चाहिए जो कि इंडिया में मिलता नहीं है तो पकड़ लो वेरी सिंपल आपने में किया वहाँ पर आप जैसे ही करते आपको थर्टी ग्लोबल एड्रेसेस मिल जाते पकड़ लो ऑस्ट्रेलिया का कोई एक वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहते हो कुछ भी एक सामान जो कि इंडिया में डिलीवर नहीं करते आपको कुछ भी नहीं करना है ओनली वो ऑस्ट्रेलिया वाला वेबसाइट में जाना है आपका कार्ड से यूज करके ऑर्डर को प्लेस करना है उसमें अपना ऑस्ट्रेलिया वाला एड्रेस ऑस्ट्रेलिया वाला एड्रेस जो आपको शॉपियनशिप साइन करने के बाद मिलेगा वो वाला एड्रेस लेकर डाल देना है ऑटोमेटिकली वो कंपनी क्या करेगी आप

रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली आप जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड उनका जो इंडिया का जो सपोर्ट टीम है उनका भी मेल एड्रेस डायरेक्टली भेज अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आगे आप डायरेक्टली उनको जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा आपको क्या करना है ऑनली आपको शॉपिंग वेबसाइट में जाना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सीधा जाके फ्री साइन अप करो जैसे ही साइन अप करोगे आपका अकाउंट में भी वही थ्री टू फाइव डेज में अप्रूव हो जाएगा वंस इट गेट्स अप्रूव्ड उसके बाद आप जैसे ही साइन इन करोगे आपको अपने नाम से पर्सनली मतलब आपके पर्सनल डिटेल्स के साथ आपको थर्टी कंट्रीज के ग्लोबल एड्रेसेस मिल जाएंगे जो एड्रेस स परमानेंटली आपके शॉपिंगशिप अकाउंट में रहेंगे आप कभी भी कोई भी कंट्री से कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो चाइना से हो यूके से हो ऑस्ट्रेलिया से हो यूएस से हो जर्मनी से हो फ्रांस से हो रो इटली से हो कहीं से भी कुछ भी सामान ऑर्डर करते हो आपको क्या करना है अपना जो पर्सनल वाला जो शॉपिंगशिप के अंदर आपको वही वाला कंट्री का जो एड्रेस रहेगा उसको लेकर ओनली शिपिंग एड्रेस में यूज़ करना है कोई भी वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करते हो वो उनके पास पहुँच जाएगा वो उसके बाद उनके पास पहुँचने के बाद शॉपिंगशिप का वो जो लोकल एड्रेस पहुंचेगा वो इंडिया में भेजेंगे वो कस्टम क्लियरेंस हैंडलिंग वैंडलिंग सब कुछ वो करेंगे आप कुछ भी नहीं देखना शॉप एंड शिप का सिस्टम है आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि क्या क्या चार्जेस है कस्टम ड्यूटी कितना है शिपिंग कितना है क्या क्या रहा क्लियरेंस चार्जेस क्या सब कुछ डिटेल्स में जाएगा आपको ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी आ जाएगा बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना आपको ऑनली आप कोई भी इंटरनेशनल वेबसाइट जाना है जहाँ से आपको कोई भी सामान चाहिए वहाँ जब भी ऑर्डर करते हो अपना पर्सनल वाला जो शॉप एंड शॉपिंगशि का जो ग्लोबल वाला एड्रेस रहेगा वही कंट्री का स्पेसिफिक वही कंट्री अगर आप चाइना का कोई एक वेबसाइट से ऑर्डर करो चाइना वाला एड्रेस यूज करो यूएस का कोई वेबसाइट से ऑर्डर करो यूएस वाला एड्रेस यूज करो यूके वाले कोई वेबसाइट से ऑर्डर करो यूके वाला एड्रेस को यूज़ करो एड्रेस यूज करने का है सामान वो क्या करेंगे वही कंट्री के वही एड्रेस वाला शॉपिंगशिप वाला लोकेशन में भेज देंगे वहाँ से शॉपिंगशिप वाला डायरेक्टली आपके इंडियन डोर स्टेप डिलीवरी कर देंगे एंड आपको कुछ भी नहीं देखना है शॉपिंगशिप विल हैंडल कस्टम क्लियरेंस हैंडलिंग जितना भी जो सारा जो कॉम्प्लेक्स वाला गीजमोज रहता है प्रोसेस रहता है वो सारे शॉपिंगशिप वाला देखें आपको कुछ भी नहीं करना आपको ओनली ऑनलाइन पेमेंट करना है एंड यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर गुड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन रिकमेंड यू गैस क्योंकि ये वाला वीडियो में बहुत दिन सोचते ही बनाऊँगा क्योंकि अभी तो ब्लैक फ्राइडे हो गया साइबर मंडे ये भी जस्ट खत्म हुआ है एंड अभी भी यूएस में ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे के सारे डील्स अवेलेबल है अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए यू से इमीडिएटली जाकर शॉपिंग से भी यूज़ करके ऑर्डर कर सकते हो एंड इट्स वेरी कॉम मतलब ईजी प्रोसेस कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यानी आपको फ्री में अकाउंट साइन अप करना है लॉग आ जाएगा लॉइन आते ही आपको एड्रेस मिल जाएगा जाके आप शिप करो ऑर्डर करो वो वाला शिपिंग एड्रेस डाल दो उनके पास पहुँच जाएगा वो आपके पास पहुँच देंगे पेमेंट लिंक आ जाएगा पे कर दो सामान आपके पास पहुँच गया वेरी इजी और अगर आपको फिफ इफ एव गोट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉप एंडशिप लेट वी इन द कमेंट क्योंकि ये सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लास्ट आई थिंक फाइव सिक्स ईयरस ईजिली टू थाउजेंड फिफ्टीन से मेरा अकाउंट है टू थाउजेंड फिफ्टी से नहीं, फाइव सिक्स फाइव सिक्सटीन उसे ज्यादा ही हो गया शायद तो अब से मैं मैं कर रहा है एंड स्टिल यूज इट फॉर माई पर्सनल गुड्स अभी तो दुबई में मेरे को मिल जाता है पर जब भी मैं इंडिया में कुछ सामान भेजना है छोटा मोटा मैं वहीं से ऑर्डर करता हूँ मेरे दोस्तों को कुछ भी चाहिए होता मैं है मैं भी वहीं से ऑर्डर कर देता हूँ उनके पास भेज देता हूँ नॉर्मली मेक द पेमेंट सो वेरी इजीव गड एनी क्वेश्चन लेटवी न एंड